मेरा सवाल ये है सर कि यूपीए से अलग होके एक फ्रंट बनेगा अपोजिशन का, जिसको ममता बनर्जी लीड करेंगी। ममता जी बहुत बड़े नेता हैं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है उससे सबसे महत्वपूर्ण योद्धा है। और भी राज्यों में बहुत से ऐसी जिस तरह से पश्चिम बंगाल में ममता जी ने एक संघर्ष किया हासिल को बहुत ही प्रेरणादायक, वैसे ही महाराष्ट्र में भी चुनाव के बाद बीजेपी को दूर रखने की विभिन्न विचारों के दौरे पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र देश के राजनीति को दिशा दर्शन किया। महाराष्ट्र में शरद पवार साहब के देश के लिए जो चल रहा है उनके क्या है, ममता जी का सवाल चाहे उनके कहा और हम भी बार बार उद्धव जी भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे साहब ने भी बार बार सवाल उठाया कि यूपीए को मजबूत करना चाहिए, यूपीए और आक्रमक होनी चाहिए, देश की राजनीति में यूपीए का मूल रहना चाहिए। लेकिन उद्धव जी ने ये भी कहा है जो उसको अगर यूपीए नहीं है तो इंडिया का है, इंडिया में है। लेकिन 2024 अगर कोई अलग से नया फंड बनता है तो उसका उस बारे में सोचना होगा कि उससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। अब तक बहुत से फ्रंट बने, थर्ड फ्रंट, फोर्थ फ्रंट, तो थर्ड और फोर्थ फ्रंट का फायदा बीजेपी को उन्होंने ये कहा है कि जो फ्रंट ऑलरेडी बना हुआ है हम उसको क्यों नहीं मजबूत बनाए, एक साथ मिल चाहे किसी के पहुंच के साथ मतभेद हो सकता है। महाराष्ट्र में भी हमारे मतभेद हैं, फिर भी हम एक साथ सरकार चला रहे हैं। महाराष्ट्र सबसे बड़ा उदाहरण, कांग्रेस हमारे साथ है, एनसीपी हमारे साथ है, चाहे हमारे विचारधाराएं अलग अलग हैं, हम अपने अपनी पार्टी का विस्तार भी कर रहे हैं, तो कांग्रेस को दूर रखकर अगर कोई फ्रंट बन सकता है तो मुझे लगता है राजनीति की ये सोच ठीक नहीं ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस है, राजस्थान में बड़ी कांग्रेस है, हरियाणा में कांग्रेस का देश है, महाराष्ट्र में कांग्रेस का देश है, और भी राज्यों में कांग्रेस है। तो कांग्रेस के साथ हम सब मिलकर काम करें तो एक अच्छा फ्रंट है जहाँ सब लोग एक साथ हैं और उसका एक आदर्श उदाहरण महाराष्ट्र। अगर आप चाहें कि आप कह दें कि यूपीए हमारी बात हमारे साथ ऐसे बहुत से बातों पर चर्चा हो गई, चर्चा हो गई निर्णय नहीं, ममता जी ने एक विचार दिया है और साहब से बात की और भी लोगों से उनकी बात करी है, ममता जी की बात में भी दम है कि यूपीए आज यूपीए का अस्तित्व नहीं, ये ममता जी का ये बात तो सच है। इसलिए अगर कांग्रेस के साथ अगर कोई भी नया फ्रंट बनता है तो कांग्रेस के साथ जो मनमुटाव है उसको दूर करने की मनमुटाव नहीं, मैं मानता हूँ ये मनमुटाव नहीं, अगर कोई अलग फ्रंट बनता है हमारा ये कहना है कि कांग्रेस को दूर रखकर कोई भी फ्रंट नहीं बन सकता। जैसे कि बहुत से राज्यों में आज भी कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, जहाँ उनके मुख्यमंत्री है, जहाँ उनकी अपोजिशन लीडर्स है, किसी राज्य में कांग्रेस को तोड़ फोड़ कर कोई पार्टी खत्म नहीं हुई, हमारे यहाँ से बहुत लोग टूट कर चले गए लेकिन पार्टी आज भी मजबूत है, चलता है। कांग्रेस कमजोर हो गई है, कमजोर आज तक उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी का मैं देख रहा हूँ उनको अच्छा समर्थन मिल रहा है। जब आपने चर्चा की थी तब मुद्दा रखा था क्या कांग्रेस और अंजाम किस तरीके से क्या इसका आगाज कब से होगा और अंजाम क्या होगा, ये तो अभी ये बात शुरुआत है, अभी शुरुआत हुई है, चर्चा हुई है, उद्धव जी से भी बात हुई, उद्धव जी सक्रिय हो जाएंगे,
हमेशा कही हमारे पार्टी चीफ ने कही कि यूपीए को अगर मजबूत नहीं बना हुआ तो 2024 में हम कैसे मुकाबला करेंगे। दूसरा तीसरा चौथा पांचवा फ्रंट है वो सोच इस बारे में फिर सोच। आखिरी सवाल, जब चर्चा हुई थी ममता जी के साथ आपकी, तब ये बताया गया था कि कांग्रेस को साथ में लेकर ही आगे बढ़ना है? ये विचार रखा था कि सबको साथ लेकर किसी बड़ी पार्टी को। आज कांग्रेस आज एक राष्ट्रीय पार्टी है, इतिहास है कांग्रेस का है, जरूर आज एक कमजोर हो गए हैं कुछ राज्यों में, लेकिन कांग्रेस को छोड़कर हम एक फ्रंट बना गए तो उनका बंटवारा वापस हो जाएगा और इसका फायदा हम इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। शिवसेना यूपी के ऊपर अब तक केंद्र ने कुछ भी ठोस ऐसा निर्णय नहीं लिया है। आपके सदन नहीं चल रहा है, कल से चल रहा है, कल से शुरू हो गए, हम भी जाएंगे दिल्ली में। तो देवेंद्र फडणवीस ने कहा है शिवसेना को वीर सावरकर जी के बारे में बोलना नहीं चाहिए, इस तरह से स्टेटमेंट दिया है। वीर सावरकर जी के बारे में हमें ही बोलना चाहिए, वीर सावरकर के असली वारदात हम ही है, उनके विचारों के असली वारदात हम ही है। वीर सावरकर का विचार दिल्ली छोटा है तो बड़ा सा ठाकुर जी आगे लेकर गए, हम डरपोक नहीं है। मैं तो बताना चाहता हूँ के मामले में हमने कभी भी युद्ध नहीं लिया, हमने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आज भी सावरकर जी हमारे आदर्श रहेंगे और हम बार बार कहते हैं सावरकर जी भारत रत्न है, सरकार के पास ऐसी क्या समस्या है कि आप उनको भारत रत्न से भी सम्मानित नहीं कर पा रहे। आप सबको कर रहे कैंसर मानने के निलंबित खासदार चिकल फेक करते हैं सावरकर, अजिबात नहीं, असं काही झालेलं नाही। आमचे जे खासदार आहेत मग प्रियांका जी असतील किंवा अनिल देसाई जी असतील, त्या संदर्भात कायदेशीर कारवाई करते आहे, त्यांच्यावर जो काही आरोप लावलेला आहे मी स्वतः चौकशी केली। आधी मलाही वाटलं की काहीतरी कोण चुकीचं बोललं की काय स्लीपॉक्टन झालं तसं नाही आहे। मी स्वतः आपल्या फडणवीस म्हणत आहे की सावरकरांचं ज्यांनी त्यांच्या मांडीला मांडी लावून सत्तेत शिवसेना बसली, प्रभू श्रीरामाचा त्यांनी अपमान केला, त्यांच्या पक्षाला पण तुम्ही घेऊन बसला होता तुम्ही सरकारमध्ये। रामविलास पासवान यांनी राम मंदिराच्या संदर्भात लढ्याबाबत जी वक्तव्य केली त्यानंतर मांडर घेऊन कोण बसला होता, आजही अनेक पक्ष त्यांच्याबरोबर असे आहेत। तर हा कोण कोणाला घेऊन बसला यापेक्षा आमचा विचार काय आहे, आमच्या मनातल्या भावना काय आहे, हमारे मन की भावना क्या है वो देखिए। थँक्यू थँक्यू थँक्यू। ये सदस्य नहीं ना NDA के हैं ना UPA के हैं, जैसे अकाली दल और भी ऐसी बहुत सी पार्टियाँ हैं, ये सबको अगर एक साथ लाने का प्रयास जो है वो करना है, वो करना है। और ये काम शरद पवार साहब हों, सोनिया गांधी जी हों, राहुल गांधी हों, प्रियंका हों, ममता जी हों, सबको एक साथ बैठकर ही करना पड़ेगा। सब सेशन शुरू हो चुका है, महाराष्ट्र के बहुत सी